सो so, हम लोग चैप्टर टू स्टार्ट कर रहे हैं आपका नेल्सन मंडेला और इसके हमारे पास कुछ एग्जैक्ट एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं सो लेट्स डू दैम ठीक है ओके okay. तो पहला एक्सट्रैक्ट दिखते हैं माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड द जेम्स दैट लाई इट्स इट्सॉयल बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इज़ इट्स पीपल फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरस्ट टाइम इन्स नेल्सन मंडेला क्या बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि हमारी जो सॉइल के नीचे जो डायमंड हैं मिनरल्स हैं अफ्रीका में वहाँ उसके लिए तो हर कोई आता है अफ्रीका बट हमारे असली लोग असली वेल्थ क्या है यहाँ के लोग ठीक है तो अब यार यहाँ पे उन्होंने आपको एक ए क्वेश्चन बना दिया है इसमें से आपको कुछ ऑप्शन हैं पिक द ऑप्शन दैट लिज द करेक्ट आंसर फॉर वॉट ग्रेटेस्ट वेल्थ वुड इंक्लूड इसमें आप ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या क्या इंक्लूड करेगा ठीक है और ये सारी चीज़ें इसमें ठीक है वन टू थ्री चारों चीज़ें होनी चाहिए इसमें अच्छा तर अब हमारे पास क्या है कि सबसे पहले क्या है ऑनेस्ट सेल्फ sacrificing इंडस्ट्रियस एम्बिशियस क्या ये ग्रेटेस्ट वेल्थ है हाँ ये चारों चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं ठीक है उसके बाद यार यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में क्या दिया है सिंपथेटिक एम्पेथेटिक एम्बिशियन ठीक है ये सब दिया है तो उससे बेटर ऊपर वाला है क्योंकि उसमें ऑनेस्टी भी है थर्ड में लिखा है कैलस कैलस का मतलब होता है केयरलेस तो वो तो वेल्थ नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन को समझना मुश्किल है ठीक है तो इसका आंसर क्या है ऊपर जो वन पार्ट लिखा है दैट इज़ दी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है अब बी पार्ट पे चलते हैं हाउ डू यू फील हाउ डू यू थिंक द स्पीकर फील्स स्पीकर कौन आइडेंटिफाई करो नेल्सन मंडेला है बहुत सिंपल है ये चीज़ है ना आपको बताना है वो कैसा फील कर रहा है आई फील डैश 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 तीन तीन चीजें एक साथ तो वो कैसा फील कर रहा है ओवरवेलम्ब इलेटेड एंड ऑनर्ड ये तीनों इमोशंस हैं तो क्या है इसका आंसर आपका सी पार्ट कि वो ओवरवेल्म भी है इलेटेड भी है और ऑनर्ड भी है ठीक है ओके okay. आगे चलते हैं सी क्वेश्चन देखते हैं आपको एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहाँ पे वेल्थ का जो यूजेज है वो बिल्कुल सही तरीके से हुआ हुआ है ठीक है पोजेस्ट ऑफ वेल्थ एंड पावर दे ऑफर्ड ओनली प्रोमिस टू दीपल तो यहाँ पे पोजेसन होना चाहिए था ठीक है वो गलत है ही ब्रिंग्स अ वेल्थ ऑफ एक्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस वेल्थ मतलब रिचनेस तो क्या आएगा यहाँ पे बी मेरे को सही लग रहा है एक बार हम सी भी पढ़ लेते हैं ट्रेडिशनली मटीरियलिस्टिक कम्फर्ट वेल्थ एंड सिक्योरिटी आर द लीस्ट ऑफ द कंसर्न ऑफ द फॉरेस्ट डेलर्स तो यार यहाँ पे जो वेल्थ है वो अलग है ठीक है ऊपर जो सेकंड में जो वेल्थ यूज किया है वो कलेक्शन है और वही नेल्सन मंडेला भी बोल रहे थे तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखते हैं आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स इन टॉर्चर्स विदाउट ब्रेकिंग शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रिजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एबसेंस ऑफ फियर द ट्राइम फोवर इट द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज़ नॉट फील अ फ्रेड बट ही हु कॉन कर्ज फी तो ये किसने बोला था नैलसन मंडीला ने बोला था तो अब उन्होंने एक जगह पर यूज़ किया हुआ है स्टैंड अप ठीक है स्टैंड अप मतलब कि आप किसी चीज़ के अगेंस्ट खड़े होते हो तो आपको एक ऐसी चीज़ ढूंढनी है दैट डज नॉट इंडिकेट द सेम थिंग ठीक है ओके स्टैंड आउट स्टैंड आउट इज अ फर्स्ट ऑप्शन तो स्टैंड आउट भी वही है ओके स्टैंड आउट इज एक्चुअली अ वैलिड फ्रेजल वर्ब आपको सेम नहीं ढूंढना आपको ढूंढना है कि कोई वैलिड फ्रेजल वर्ब होना चाहिए तो स्टैंड आउट इज अ वैलिड फ्रेजल वर्ब ठीक है हम यूज़ करते हैं कि यू 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 डिड नो स्टैंड आउट आउट ऑफ ऑल द परफॉर्मेंस सो स्टैंड आउट इज अ वैलिड वर्ड देन है आपके पास सेकेंड चीज जो है स्टैंड ऑन दैट इज ऑल्सो वैलिड देन वी हैव स्टैंड हिम तो स्टैंड हिम गलत है ये कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है ठीक है तो थर्ड पार्ट आपका जो सी पार्ट है वो गलत है ए का सी इज रॉन्ग सो वही हमारा राइट right आंसर भी है पिकॉज द ऑप्शन दैट डॉट शो के इज द यूजेज ऑफ रिजिलियंस तर यहाँ पर रिजिलियंस का मतलब होता है कि आप डट के खड़े रहें ठीक है तो अब देखते हैं कहाँ पर नहीं है द फाइनल पैसेजेज पेजेज आर डिवोटेड टू द लेजेंड्स ऑफ अ रिजिलियंस कि भाई जो फाइनल पेजेस हैं उसमें उसकी रिजिलियंस की बात की गई है तो ये तो सेम ही है ठीक है नायलन इज एक्सिलेंट इन पेरेबिलिटी अबरेशन रेजिस्टेंस एंड रिजिलियंस तर यहाँ पर ये नहीं बोल रहे कि नायलन जो है डट के रहता है बस वो बता रहे हैं कि नायलन एक ऐसा कपड़ा जो फटता नहीं है तो बी पार्ट का क्या है राइट आंसर बी क्योंकि यहाँ पे रेजिलियंस का मतलब सेम नहीं है द स्पीकर अबाउट करेज इज डैश तो यार उसका करेज का क्या मतलब है कि करेज का मतलब होता है कि हमें फियर को ओवरकम करना है तो ए पार्ट ओवरकमिंग फियर ठीक है आगे चलते हैं थर्ड देखते हैं नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट टुडे ऑल ऑफ अस डू

ठीक है अब वो ऐसा क्यों बोलते हैं बिकॉज ही इज प्रिजाइज एंड कंसिडर्ड आउटलॉस इन इन देयर ओन लैंड एक्सपीरियंसड इट फॉर मोर देन अ डी दे वर नॉट गिवन इक्वल जॉब एंड करियर चॉइज एंड अपॉर्चुनिटीज तो इसका राइट आंसर क्या है सी पार्ट द टाइटल दैट बेस्ट सूट दिस गिवन एक्सट्रैक्ट इज ग्लोरी फॉर ऑल ह्यूम्स सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमैनिटी यस, तो वो क्या बोलते हैं कि ह्यूमैनिटी इम्पॉर्टेंट है हर चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ह्यूमैनिटी तो बी पार्ट ठीक है आगे चलते हैं ऑगजी मोरन तो ऑगजी मरॉन क्या होता है कि जब आप दो बहुत ही ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ लिखते हो ठीक है जैसे आप लिखो परफेक्टली इम्परफेक्ट डेफिनिंग साइलेंस कि मतलब बहरा भी कर रही है और साइलेंस भी है, है न तो फिर या आप बोलो लाउडेस्ट साइलेंस तो ये सारी चीज़ें बहुत डीप होती हैं बट ये आपस में ऑपोजिट वर्ड्स हैं तो इनमें से कौन सा ऑग्जी है ह्यूमन डिग्निटी ऑग्जी नहीं है ठीक है लास्टेड लॉन्ग ऑग्जी नहीं है एक्स्ट्रॉडनरी ह्यूमन डिजास्टर यस कि एक तो आप ह्यूमन डिजास्टर की बात कर रहे हो दूसरा आप उसको एक्स्ट्रॉडनरी बोल रहे हो तो ये एक ऑग्जी है तो सी पार्ट इज़ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है आगे चलते हैं ओके दर इज वन मोर एक्सट्रैक्ट फ्राम द सेम चैप्टर टेंथ में डोंट ब्राइट एंड क्लियर फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज बाई डिगनेटरीज वर् लीडर्स हुआ कमिंग टू पे द रिस्पेक्ट बिफोर द इनाग्रेशन द इनाग्रेशन वुड बी दार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन साइड तो वो क्या बोलता है कि भाई टेंथ मे का दिन आने वाला है उससे पहले मेरे पास सारे डिग्नेटरीज सारे लीडर्स आस पास आए हुए हैं बिकॉज वो भी उसकी इनाग्रेशन में शामिल होने वाले थे ठीक है प्रायर टू टेंथ ऑफ मे डार्ज़ गवर्नमेंट हैड प्रिवेल्ड इन साउथ अफ्रीका टेंथ ऑफ मे से पहले वहाँ पे कैसी गवर्नमेंट थी डेमोक्रेटिक तो नहीं थी कैसी थी रेशियल रेशियल मतलब जो रेसेस में डिफरेंस करे भेदभाव करे रंग के बेसिस पे कलर के बेसिस पे ठीक है तो एक आंसर क्या है बी पार्ट पिकाउट द वर्ल्ड विच डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू द वर्ड बिसच्ड बिसज मतलब आस पास. ठीक है इनमें से ऐसा वर्ड कौन सा है जो कॉरेस्पॉन्ड नहीं करता है तो यार इसमें कौन सा वर्ड है इन uh, इनटेटेड in, मतलब आप उनके आसपास हो ब्लॉग्ड मतलब आप उनसे घिरे हुए हो फ्रीड फ्रीड मतलब फ्री हो गए ऑपोजिट है तो फ्रीड इज़ द राइट आंसर ठीक है सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस पिक आउट द एक्सप्रेशन सिमिलर टू एमिनेंट एमिनेंट का मतलब होता है यार बहुत महान ठीक है तो यहाँ पे सेम क्या है डिग्नेटरीज डिग्नेट्रीज मतलब जो रिस्पेक्टेड लोग हैं अपने अपने फील्ड में इंपॉर्टेंट लोग हैं ठीक है सो वी आर डन विथ फोर एक्सट्रैक्ट्स इसके बाद और भी बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग हमारे पास क्वेश्चन हैं इसी चैप्टर के आई एल बी पोस्टिंग दैम सो स्टे ट्यून्ड